हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज इस चैनल पे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक नया सीरीज चालू करने वाला हूँ जो बेसिक्स टू एडवांस लेवल का होगा। मतलब अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ भी पता है फिर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर कुछ नहीं पता है, आप लोग एकदम बिगिनर है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज़ करके मुनाफा किया जाता है लाइव मार्केट में, इसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रैटेजी मैं इस सीरीज में पूरा बताने वाला हूँ आप लोगों को। उस सीरीज का यह पहला वीडियो है, तो अभी हम लोग सीधे चलते हैं आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट पे। ओके, उससे पहले एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक भी कर लीजिए, ताकि मैं आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक चीज़, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक क्या करता है, मुझे आगे जाके अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो कैंडल जो होता है मेनली दो किस्म का कैंडल होता है, दो टाइप का। एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। जो चार्ट में हम लोग ग्रीन कलर का कैंडल देखते हैं ना, उसको बोला जाता है बुलिश कैंडल, मतलब शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है। और जो रेड कलर का कैंडल देखते हैं उसको बोला जाता है बियरिश कैंडल, मतलब शेयर नीचे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ बुलिश कैंडलस्टिक, मतलब व्हेन बायर्स आर हायर देन सेलर, मतलब जब बायर्स का संख्या ज्यादा होता है तब बुलिश कैंडल आपका फॉर्म होता है, और जब सेलर्स का संख्या ज्यादा होता है तब आपका बियरिश कैंडल फॉर्म होता है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा, इस स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लूं तो आप लोगों को सही से पता चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करके रखा हूँ, ये है इसका बॉडी। ओके, ये वाला चीज है इसका बॉडी, इसको बोला जाता है कैंडल का बॉडी। और ए वाला चीज जो है आपका, ये देखिए आपके सामने ए वाला चीज जो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, ए वाला, इसको बोला जाता है शैडो। तो ऊपर वाला शैडो को बोलते हैं अपर शैडो, नीचे वाला शैडो जो है इसको बोलते हैं लोअर शैडो। तो ये बॉडी का क्या काम है, शैडो का क्या काम है, ये जो बॉडी फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये इस कैंडल मतलब क्या, शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आपका ए इस जगह पे मैं एरो मार्क करके रखा हूं, ए आपका इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक शेयर है 80 रुपए का शेयर, तो वो शेयर ओपन हुआ है 80 रुपए में, मतलब इस जगह पे शेयर ओपन हुआ है, और वो शेयर लो गया था 75 रुपीज। ये जो नीचे का डाउन वाला जो आपका शैडो है, आपका लोअर शैडो, ये नीचे गया था, ओके 75 तक नीचे गया था, और ये शेयर हाई गया था आपका, देखिए 105, मतलब ये जो पॉइंट है, मैं देखिए एक एरो करके रखा हूं व्हाइट कलर का, ये एरो, ये जो पॉइंट है एकदम अपर का पॉइंट है, मतलब शैडो का जो ऊपर का जो पोर्शन है, ए वाला पोर्शन, ठीक है, ए वाला पोर्शन, ये आपको बताएगा कि कुछ किसी भी टाइम फ्रेम में ये शेयर आपका हाई गया था इस रेट में, और एक क्लोज हुआ था, इस कैंडल क्लोज हुआ था आपका इस जगह पे, ये जो है ये जगह देखिए, ए वाला जगह, ये है आपका क्लोजिंग पोजिशन। मतलब एक शेयर मान लीजिए 80 रुपए में ओपन हुआ है, ठीक है, अगर एक डे का, एक दिन कैंडल का बहुत सारा टाइम फ्रेम होता है, मान लीजिए मैं एक दिन का कैंडल स्टिक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक दिन का कैंडल स्टिक है, तो कोई भी एक शेयर अगर 80 रुपए में ओपन हुआ है तो इस जगह पे ओपन हुआ है, उसके बाद सारा दिन में अगर वो लो गया है 75, तो उसका जो 75 का जो लो पोजिशन है वो इस जगह पे होगा। अगर मान लीजिए सारा दिन में आपका हाई गया है 105 रुपया, मतलब ए वाला जो पॉइंट है आपका, ए वाला पॉइंट आपका हाई का पॉइंट है एक दिन का कैंडल का, और अगर क्लोज हुआ है 100 रुपए में, मतलब ए वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट में क्लोज हुआ है, और पूरा दिन का ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसा कैंडल देखने को मिले तो ये कैंडल का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका जो क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट है सेम है, और ओपनिंग पॉइंट एंड लो पॉइंट है वो भी सेम है, मतलब एक शेयर आज के दिन में अगर उस मार्केट जब शुरू होता है, जब ओपन होता है, उस शेयर में उस शेयर 50 रुपए से ओपन हुआ है, उसके बाद वो नीचे नहीं गया, 50 रुपए से ऊपर ही जाना चालू किया, मतलब उसका लोइंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस सेम हुआ, और जब क्लोज हुआ वही उसके दिन का हाई प्राइस था, मतलब उसके ऊपर वो गया नहीं, मान लीजिए 100 में क्लोज हुआ। जब भी ऐसा होगा कि हाई एंड क्लोज सेम रेट पे होगा और
ओपन एंड लो सेम प्राइस पे होगा तब ऐसा कैंडल बनेगा, इसके ऊपर कुछ शैडो नहीं बनेगा। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा एक बीआरएस कैंडल का भी एग्जांपल देखेंगे। पहले इस सब हम डिलीट कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, अभी देखिए ये आपका आ गया बीआरएस कैंडल। बीआरएस कैंडल क्या होता है आपका, देखिए जब सेलर ज्यादा होता है बायर से तब बीआरएस कैंडल फॉर्म होता है। मतलब सेलर ज्यादा सेल कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मतलब प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, तभी बेयरिश कैंडल ज्यादातर आपका फॉर्म होता है। तो बेयरिश कैंडल दिखता कैसा है चार्ट में, नॉर्मली बेयरिश कैंडल का जो कलर होता है वो आपका रेड कलर का होता है, लेकिन आप सेटिंग में जाके एक ग्रीन और रेड का जो कलर है आप अपने चॉइस से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपका बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का होता है और बेयरिश कैंडल आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया ये अपर शैडो है, ये आपका है लोअर शैडो। ठीक है, मैं लिख के भी रखा हूं, नीचे चला गया है, ये है आपका लोअर शैडो। ओके, बेयरिश कैंडल में क्या होगा, जिस प्राइस से ओपन हुआ है वो जो क्योंकि शेयर नीचे गिर रहा है तो ऊपर ही ओपन हुआ होगा। तो देखिए इस जगह पे ये आपका कैंडल आपका ओपन हुआ है, जो ओपन पोजीशन है। मान लीजिए एक शेयर आज ओपन हुआ है 100 रुपए पे, अभी वो नीचे गिर रहा है तो बेयरिश कैंडल फॉर्म होगा। वो ओपन 100 रुपए के होने के बाद थोड़ा सा हाई गया, ये जो इसको अपर शैडो बनाया देखिए 105 रुपए हाई गया। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये उसका बॉडी है। फिर ये शेयर आपका नीचे आया 75 तक, अगर वन डे का कैंडल है तो 75 तक नीचे आया और यहाँ पे क्लोज किया, मतलब 80 में क्लोज किया। और यहाँ पे भी देखिए अगर दिन भर का इनका क्लोज एंड लो सेम है और हाई एंड ओपन सेम है तो कैंडल का कैंडल इस तरीके से दिखेगा। तो आप लोगों को क्लियरली पता चल गया कि बेयरिश कैंडल कैसे दिखता है और आपका बुलिश कैंडल कैसे दिखता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा उसके बारे में मैं आगे जाके आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। देखिए अभी जब मैं सीरीज चालू करने जा रहा हूं, मतलब जो सीरीज मैं चालू कर रहा हूं, इसमें मैं सिंगल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, डबल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा और ट्रिपल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। हर रोज एक एक वीडियो, रोज नहीं तो एक हफ्ते में एक एक वीडियो मैं अपलोड करते रहूंगा। ओके, तो क्या क्या चीज मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। कैंडलस्टिक का बहुत सारा पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बहुत फेमस पैटर्न ये आपका सिंगल कैंडल में है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखिए अभी मैं सिंगल कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। स्पिनिंग टॉप, इसके बारे में बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो कैसा दिखता है उसके बारे में भी बताऊंगा और उसमें कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। लॉन्ग लेग्ड डोजी कैसा दिखता है, कैसे ट्रेड करना है। ग्रेट स्टोन डोजी, ये सब मैं सिंगल आपका जो कैंडल है सिंगल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में जब बताऊंगा उसमें से एक ओवर होगा। ओके, हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, जब आपका डबल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, फॉल्स इनगल्फिंग। और जब आपका ट्रिपल स्ट्रेटेजी के कैंडल ट्रिपल कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं कवर करूंगा आपका मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा, इस स्ट्रेटेजी में आपका प्राइस मतलब सॉरी आपका क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।